पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 1000 के करीब पुलिस बल केदारनाथ में तैनात। जी हाँ, प्रधानमंत्री की सभा के लिए सजाया गया मंच। तीर्थ रोहित भी पीएम से मिलने को है आतुर। बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी कल शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। नाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, तो मंदिर परिसर से 500 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग की गई है। पीएम आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। वहीं पीएम के आगमन को लेकर तीर्थ पुरोहितों में भी खासा उत्साह है और पीएम के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं पीएम से मिलने को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे पुरोहितों का कहना है, पीएम से मिलकर देवास्म बोर्ड को भंग करने की मांग की जाएगी। बताते चले, देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ आपदा के बाद अब तक 4 बार बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। अब वे 5वीं बार बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। कल शुक्रवार को पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। यहां से 3.5 घंटे का समय व्यतीत यहां पर करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ में आपदा के बाद किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण के साथ ही जो नए कार्य धाम में होने हैं उनका शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर केदारनाथ धाम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 भी ट्रायल उड़ान पर है। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पीएम की सभा के लिए मंच भी तैयार है, साथ ही केदारनाथ में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आज पीएम की कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में है। केदारनाथ में पैदल मार्ग पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगातार तैयारियों में जुटे हैं। VIP हेलीपैड पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ट्रायल उड़ान भर रहे हैं। मंदिर के सामने प्रधानमंत्री की सभा को लेकर मंच तैयार किया गया है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मंच तैयार किया गया। 1000 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी केदारनाथ भी पहुँच चुके हैं। बताते चले, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल, DM मनोज गोयल केदारनाथ में नजर आए हैं। केदारनाथ में 4 पुलिस अधीक्षक, 11 पुलिस उपाधीक्षक, PSC की 3 कंपनियां समेत 1000 पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं जो केदारनाथ के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद तीर्थ पुरोहित नरम हो चुके हैं और अब वे पीएम मोदी के केदारनाथ आगमन को लेकर स्वागत में जुट गए हैं। केदारनाथ के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी का केदारनाथ पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा और उनसे देवास्म बोर्ड को लेकर चर्चा की जाएगी। तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री से मुलाकात करें और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन कार्यों का लोकार्पण करेंगे। बता दें, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि एवं प्रतिमा तीर्थ पुरोहितों के आवास पर और सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों का निर्माण, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा के लिए भारवाहक दीवार, गरुचड्डी के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल का लोकार्पण करेंगे और इन कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। श्री केदारनाथ धाम में संगम घाट का पुनर्विकास एवं रैन शेल्टर शेड, वहीं प्राथमिक चिकित्सा एवं पर्यटक सुविधा केंद्र मंदाकिनी, आस्था पथ पंक्ति प्रबंध, मंदाकिनी वाटर TM एवं मंदाकिनी प्लाजा, प्रशासन कार्यालय एवं अस्पताल भवन, केदारनाथ तीर्थ स्थल में संग्रहालय, म्यूजियम परिसर, सरस्वती सिविक एमिनिटी भवन। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे केदारनाथ में आएंगे, हम लोग उनका स्वागत करेंगे और हम लोग चारों धामों के लोग उनसे वार्ता करना चाहते हैं और उनसे हम इसमें वार्ता जरूर करेंगे। जैसे वो केदारनाथ में आते हैं तो हम उनको यहाँ पर जो भी इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसके विषय में उनसे हम वार्ता करेंगे और हम खुद चलेंगे कि केदारनाथ में कैसा कार्य हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहेंगे और उनसे वार्ता करके केदारनाथ में कैसे काम हो रहा है हम सामने सामने उनसे बात करना चाहते हैं। इसलिए बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है, माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में आने चाहिए और उसके बाद जो है हमारी वार्ता भी सार्थक रहेगी। मुझे बाबा से ये विश्वास है और उनको जो है हमारी वार्ता को माने सार्थक करना ही पड़ेगा। और यहाँ के विषय में जब हम लोग उनके साथ में रहेंगे तो हम यहाँ के विषय में सब चीज़ उनको अवगत करना चाहते हैं। बाबा से मेरी प्रार्थना है, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले केदारनाथ में आने चाहिए। जब तक इसकी डोरी नहीं होगी तब तक कोई नहीं आ सकता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में आए और तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करें। वार्ता करने के बाद ही जनता का क्या रुख होता है वो बाबा जानते हैं। जय श्री केदार।